हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी केयर में। और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का फिजिक्स का, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है और मैग्नेट कैसे काम करता है। तो ये है हमारा डायनमो। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। तो हमने अब निकाल लिया, अब इसके मैग्नेट और कॉइल को निकाल लेते। तो ये है इसके अंदर का पार्ट, जो मैग्नेट और एक कॉइल है। तो चलिए जानते हैं कॉइल के बारे में। तो कॉइल में क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फोर्स से ही ये बाहर आ जाते हैं। अब मैग्नेट में क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को ढकेल सकती है, मतलब उसको उसके न्यूक्लियस से बाहर फेंक सकती है। तो आपको यह पता चल गया। तो चलिए अब हम दोनों को अब फिर से सेट कर दे। और सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी कॉइल जो है स्थिर है। तो अब हम जब इसे थोड़ा सा घुमाते हैं तो देखेंगे इसके जो कॉपर का वायर है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या घटना हो। तो जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉपर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को घसका दे रहा है, संकेत कर दे रहा है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स संतरित होते रहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि किसी कॉपर के तार को ले और उसको अपने हाथों से उसके इलेक्ट्रॉन्स को संतरित कर दे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, लेकिन हम अपने हाथों से तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके पावर का जरूरत पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनों को संतरित कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे मज़ा लिया होगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैं आप लोगों के लिए माध्यमिक के लिए स्पेशल क्वेश्चंस भी छोड़ूंगा, तो आप देख लीजिएगा।